पिछले कुछ दिनों से तेज धूप और गर्मी से बेहाल नगरवासियों को रविवार को हुई बारिश से राहत मिली है। रविवार को दिन में 12 बजे के करीब अचानक आसमान में काले बादलों ने घेरा डाल लिया और मौसम बदल गया। तेज हवाओं के चलते धूल भरी आंधी भी चली और बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, जिसके संबंध में आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मार्च अप्रैल के मध्य में इस तरह से मौसम में बदलाव होता है, जिससे धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी होती है और ओले भी पड़ते हैं, जिसको लेकर मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि कोई भी जनहानि की सूचना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, ये अगले 5 दिनों का ये मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान जारी किया जाता है। और फिर ये तो पूर्वानुमान हो गया कि जिसको लेकर के इसमें आ जाता है। इसके अलावा जिस समय घटना घटित होने को मतलब रहती है, तो 3 घंटे पहले भी एक नौ कास्ट दिया जाता है, जिसमें एरिया स्पेसिफिक कर दिया जाता है कि किस एरिया में मतलब किस जनपद में ये होगा, तो वो पूरे जनपद के नाम के साथ वो उसका विवरण दे देते हैं। देखिए, ऐसा है कि आमतौर पर आप सभी ने देखा है कि मार्च और अप्रैल माह के मिड में ये सारी घटनाएँ होती रहती हैं, जिसमें आंधी तूफान और इस तरह का प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसमें तेज हवाएं चलती हैं, थोड़ा धूल आंधी भी उड़ती है। इस दौरान ये आपदा कार्यालय द्वारा इस बात का तुरंत निरीक्षण कराया जाता है कि इससे किसी तरह की कोई फसल को अगर क्षति हुई हो या कहीं कोई घटना घटित हुई हो जिसमें किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ हो या कहीं कोई वज्रपात के कारण कहीं कोई मृत्यु हुई हो, पशु हानि हुई हो, जनहानि हुई हो, तो इसका सर्वेक्षण संबंधित क्षेत्र के लेखपाल और तहसील के माध्यम से कराया जाता है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत जिस तरह से शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे के अंदर सहायता उपलब्ध कराई जाए, तो राज्य आपदा मोचक निधि के माध्यम से उन्हें हम सहायता उपलब्ध कराते हैं। तभी जो मौसम में अभी जो बदलाव हुआ था उसके संबंध में समस्त तहसीलों को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा एक हम सभी मतलब सारे डिपार्टमेंट्स को एक नौ कास्ट दिया जाता है कि अगले 3 घंटे में किस तरह का मौसम रहेगा, तो नौ कास्ट भी मौसम विभाग द्वारा इसको इस संबंध में दिया गया था, जिसके आधार पर समस्त तहसीलों को एक्टिवेट कर दिया गया था, वहाँ पे आपदा केंद्रों को एक्टिवेट कर दिया गया था, यदि कहीं कोई क्षति होती है तो उससे संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाए।